अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको ज़बरदस्त सा चकोर पराठा बनाना सिखाऊंगी, जो कि बहुत ही आसान है। तो हम देखते हैं वो कैसे बनेगा। हर लोग अपने स्टाइल से बनाते हैं, मैं आपको अपना तरीका बताऊंगी। तो हमने एक पेड़ा बना लिया है, इसको हम ड्राई आटे में लगाएंगे, थोड़ा ड्राई आटा इसको लगाएंगे, खुश्क आटा जिसे कहते हैं, और फिर हम इस तरह इसको साइडों से थोड़ा सॉफ्ट कर लेंगे। आप जितना इसको थोड़ा गोलाई में सॉफ्ट कर सकें उतना बेस्ट है। इस तरह रख के हम इस पर फिंगर से अपनी उंगलियों से इसको प्रेस कर देंगे, और फिर आप इसमें देसी घी या ऑयल, जो चीज़ आपको पसंद है, आपके बच्चों को, आपकी फैमिली को, आप इसमें वो ऐड करेंगे। मैं बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल ऐड करूँगी इसमें, और अब हम इसको पहले ऊपर की साइड से नीचे फोल्ड करेंगे और फिर नीचे से ऊपर फोल्ड करेंगे, बिल्कुल इस तरह। अब हम इसकी साइड्स को फोल्ड करेंगे, थोड़ा हम दबा के ताकत के हाथों से प्रेस करेंगे, ताकि जो हमने फोल्ड किया है ये ओपन ना हो हमारा। अब आपने देखा ये एक स्क्वायर हमारे पास बॉक्स बन के तैयार हो गया। अब हम इसको वापस ड्राई आटे में लगाएंगे, ताकि हम अच्छे से इसको बना सकें, बेल सकें। अब हम इसको यहाँ पर बेलेंगे, बिल्कुल सॉफ्ट हाथ से हम इसको एक स्क्वायर बॉक्स की तरह उस शेप में इसको लेकर आ जाएंगे। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि बिल्कुल इसको हम स्क्वायर एक बॉक्स की शेप में ले आएंगे, चकोर शेप में लेकर आ जाएंगे, और ये बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार होता है। आप अपने बच्चों को ज़रूर मॉर्निंग में बना के दीजिएगा। अब तो हमारे बच्चों की छुट्टियां हो गई, खैर से समर वेकेशंस हो गए, बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां, तो आप ज़रूर उनको एक पराठा लाजमी, कोई भी सालन है, अंडा है, जिसके साथ आपका बच्चा लेना पसंद करता है, आप उनको ज़रूर दीजिएगा खाने में। यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारा ज़बरदस्त सा पराठा तैयार हो गया है। मैं अब आपको इसको तवे पे डाल के बताती हूँ। जी तो दोस्तों, यहाँ पे हमने तवे को पहले से गर्म किया हुआ था। कभी भी ठंडे तवे पे नहीं डालिएगा, आपकी रोटी चिपक जाएगी इस पे। हमने प्री हीट तवे पे इसको डाला है पराठे को। अब हम इसको एक साइड हल्का पकने देंगे, जैसे ही थोड़ा सा पकेगा तो हम इसको टर्न कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जी दोस्तों, आपने यहाँ से देखा थोड़ा सा रोटी फूलने लगी है, मतलब कि हमारा रोटी हल्की सी पक के तैयार है। अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड कर देंगे अपनी ज़रूरत के मुताबिक। वैसे तो इसमें ज़्यादा ऑयल लगता है, ताकि ये बहुत अच्छा सा क्रिस्प बने, पर हम इसमें बिल्कुल कम ऑयल के साथ इसको बहुत अच्छा सा ज़बरदस्त सा क्रिस्प बना के तैयार करेंगे। आप यहाँ पे इसकी परतें चेक कर रहे होंगे कि किस तरह ओपन हो रही है, जो हमने इसको चकोर किया था इसकी शेप को, तो ये इसकी अच्छे होने की निशानी है कि किस तरह खुल रही है। जैसे हम पठान के पराठे खाते हैं बाहर से, तो वो कैसा लेयर में खुलता है, परतों में खुल रहा होता है, इसी तरह हमारा यहाँ से अगर आप ये देखें तो ये जब इंशाल्लाह तैयार होगा तो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत क्रिस्पी और खाने में बहुत मज़ेदार। जी दोस्तों, तो यहाँ आपने देखा हमारा ज़बरदस्त सा क्रिस्पी पराठा। आधा घंटा हो गया इसको, इसलिए थोड़ी सी हार्ड है, पर अभी हम इसको गर्म करेंगे और ज़बरदस्त सा इंजॉय करेंगे इस पराठे के साथ। होप आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कॉमेंट्स अच्छे अच्छे कीजिएगा, अपने रिव्यूज़ बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।